नमस्कार, मैं शाइना उद्यान एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। पेश है देश पंजाब और अबोहर की प्रमुख खबरें। सोमवार 4 जनवरी को किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत होने जा रही है। यदि 8वें दौर की बातचीत भी असफल रही तो किसान आंदोलन और तेज हो जाएगा। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखवीर सिंह बादल ने आज अबोहर के विभिन्न वार्डों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अबोहर में नगर निगम चुनावों में जीत का दावा करते हुए कहा कि यदि निगम में उनका बोर्ड बना तो अबोहर देखने लायक शहर बनाएंगे। सुखवीर बादल के दौरे पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता संदीप जाखड़ ने पूछा कि जब 10 वर्षों तक आपकी सरकार थी तब आपने ऐसा क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि सुखवीर बादल हमेशा से झूठे दावे और झूठे वादे करते आए हैं, इस बार भी ऐसा ही करेंगे। वार्ड नंबर 17 में पहुंचे कांग्रेस नेता संदीप जाखड़ की कार्यशैली से प्रभावित होकर सोनू स्वीट के संचालक सोनू पाहवा ने भाजपा को अलविदा कहते हुए बीते दिन कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। मैं ये कहना चाहना जी, अज संदीप जाखड़ जी ने जो कराया बोर्ड कराए ने बहुत वधिया कराए ने, जो लगातार इन्होंने लंबा संघर्ष करके सारा शहर रहन योगा छक लायक बनाया है, तो कुछ और जोर लगेगा पूरा काम करेंगे। आने वाले इलेक्शन इन्हों आप जितावे अगे आप MLA सीट पर भी लियावे, शायद अपना एक शहर होर स्वर्ग बन जाएगा। कि पार्टी छड़ के आए कांग्रेस शामिल हो? अज वैसे तो BJP छड़ के आ रहा जी, कारण यह है जी, इन्हों का मैनू संदीप जाखड़ जी का रहन सहन सुभाव बहुत वधिया लग्या, जो कि उन्होंने फेस इंप्रैशन जो भी उन्होंने वर्किंग है मैनू बहुत पसंद आई, सिर्फ उन्होंने मैं इस चीज़ को फेस करके मैं उन्होंने मिल रहा। कांग्रेस नेता संदीप जाखड़ आज किन्नू से भरे 4 ट्रक, 2 ट्रक पानी और लकड़ियों का ट्रक लेकर टिकरी के लिए रवाना हुए। इस मौके पर उनके साथ में भारी संख्या में अबोहर और बलुआना हलका के कांग्रेस वर्कर मौजूद थे। फिरोजपुर के सांसद सुखवीर बादल के दौरे के बाद अबोहर की राजनीति में एकदम उबाल आ गया। आज से ही कांग्रेस और अकाली दल के बीच वाक युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ जहां अकाली दल ने कांग्रेस पर हमला बोला तो साथ के साथ कांग्रेस ने भी पलटवार कर दिया। अपना अबोहर अपनी आबा मुहिम के तहत आज वार्ड नंबर 10 में गुरचंद सिंह जंटा के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें वार्ड निवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसी तरह संत नगर में भी पप्पू प्रधान के नेतृत्व में व्यापक सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें भाग लेते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुरानी फाजिलका रोड और मोहल्ले के बीच साफ सफाई का कार्य किया। देश पंजाब और अबोहर के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज पर विजिट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये खबरें पहुंच सके। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।